हाय, बचपन में लूडो बहुत खेली होगी। आज मैं आपको गणित की लूडो खिलाऊंगा। आई एम श्योर आप इसको एंजॉय करेंगे। ये देखिए, ये है मेरी एक छोटी सी लूडो। ये आपकी लूडो जैसी नहीं है, लेकिन ये है बड़ा मजेदार खेल। कैसे खेलना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे दो या चार बच्चे भी खेल सकते हैं। अभी हम दो बच्चों के हिसाब से, दो प्लेयर्स के हिसाब से इसको खेलेंगे। दोनों प्लेयर्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा दिखाई है जो कि -12 से +12 तक की है। इसे चाहे तो और बड़ा भी किया जा सकता है। दोनों प्लेयर्स सबसे पहले 0 पर रहेंगे। हमारे पास ये डाइस है, इस पर +1, +2, +3 और -1, -2 और -3, ये 6 संख्याएं इस डाइस पर अंकित हैं। जैसे ही डाइस, एक प्लेयर डाइस फेंकेगा, जो भी संख्या उसको आई होगी, यदि वह संख्या प्लस वाली होगी तो वह आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन यदि वह संख्या माइनस की हुई तो वह प्लेयर पीछे की तरफ अपनी गिटी को सरकाएगा। इस प्रकार से दोनों में से जो प्लेयर सबसे पहले इस पॉइंट पर पहुंचेगा वो होगा इस गेम का विनर विनर। और यदि कोई भी प्लेयर माइनस यहाँ के हो। इस तरफ पहुंच गया तो वो होगा इस गेम का लूजर। चलिए आइए देखते हैं कि ये गेम कैसे खेला जाएगा। ये मैंने सबसे पहले फेंका डाइस और इस डाइस पर टू हमें आया है 2। तो ये हरी गिटी +2 है तो प्लस आगे की टू तरफ बढ़ेगा और ये टू पॉइंट्स प्लस टू पर आ जाएगा। इसके बाद बारी है इस नीले खिलाड़ी की। इसके लिए हमने फिर से डाइस फेंका और टू इसको भी आया है टू प्लस टू टू तो यह भी आगे प्लस टू प्लस की टू तरफ बढ़ जाएगा। फिर से हरे प्लेयर की बारी और इसको माइनस वन संख्या आई है माइनस माइनस वन वन और अब इसको उस तरफ उल्टी दिशा में जाना होगा तो यह आ जाएगा -1 कदम यहाँ। अब बारी है नीले खिलाड़ी की। अरे इनको भी आया है -1 तो यह भी पीछे 1 कदम पीछे 1 पर आ जाएंगे। इस प्रकार से बार बार ये गेम खेलकर या हम दोनों को 2 मिनट का 5 मिनट का समय दे सकते हैं या इनको 5 5 या 10 10 15 15 पारियां देकर फिर आखिर में हम ये देख सकते हैं कि जो प्लेयर सबसे राइट साइड पर है वो विनर है और जो प्लेयर लेफ्ट साइड पर है वह लूजर है। तो खेल खेल में बच्चा पूर्णांकों के योग और घटाव का बहुत अच्छा अभ्यास करें। मैंने कहा था ना, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसे।